आज ब्यूटी पार्लर जाने का दिन है। मैंने फ्रेंड की शादी में एक गेम में ये ब्यूटी कूपन जीता है। ये कितनी अच्छी बात है, शादी पर जो मैंने पैसे खर्च किए मुझे वापस मिल गए। अरे माचुसाका मैम, आखिर ऐसी क्या बात है शिनचैन जो माचुसाका मैम इतनी खुश लग रही है? लगता है वो यहाँ पर किसी से मिलने आई है। शायद ऐसा भी हो सकता है वो किसी से मिलकर आई हैं, लेकिन मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा। अरे ब्राइडल ब्यूटी आपका इंतजार कर रही है। लगता है मैं बहुत सही जगह पर आई हूँ। माचुसाका मैम उस तस्वीर को इतनी गौर से क्यों देख रही है? माचुसाका मैम यहाँ क्या कर रही हैं? अरे ये एक ब्यूटी पार्लर है, क्या तुम्हें नहीं पता शिनचैन के लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? इस तरह के बेकार सवाल मत किया करो। अब देखते हैं आखिर माचुसाका मैडम यहाँ पर क्यों बैठी हुई है। मुझे वो पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, क्या मैं उसे अपने घर ले जा सकता हूँ नैनी? नहीं शिनचैन, अब आपकी बारी है, आप अंदर आ सकती हैं। मुझे सब समझ आ गया, माचुसाका मैम इसलिए यहाँ पर आई हैं क्योंकि उनके घर पे कोई फंक्शन होने वाला है। अब तुम समझ गए शिनचैन? हाँ, क्या तुम सच कह रही हो नैनी? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, हम दोनों ने उन्हें एक ब्यूटी पार्लर में बैठे हुए देखा था। माचुसाका मैम ब्यूटी पार्लर गई थी, लेकिन उन्हें अचानक वहाँ जाने की क्या जरूरत पड़ गई? और हाँ, जब हम बाहर खड़े थे तो शिनचैन ने माचुसाका मैम को देखकर कहा था कि वो बहुत अच्छी लग रही है। क्यों कहा था ना? मैंने वो बात माचुसाका मैम के लिए नहीं, उस पेंटिंग के लिए कही थी नैनी। तुम अपना मुँह बंद रखो शिनचैन। योशिनाका मैम, आपको नहीं लगता कि माचुसाका मैम आजकल बहुत खुश रहती है और कोई ऐसी बात है जिसे वो सबसे छुपा रही है? देखो, वैसे माचुसाका मैम कोई बात छुपा तो सकती नहीं है, अगर ऐसी ही बात है तो हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। मैं सही कह रही हूँ ना प्रिंसिपल सर? वैसे आपको कुछ बताया माचुसाका मैम ने? नहीं, मुझे तो उन्होंने असल में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही पता चल जाएगा सच क्या है। बिल्कुल सर। अब हम सब मिलकर माचुसाका मैम से उस फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है शिनचैन? ठीक है। माचुसाका मैम आ गई क्या? मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं कि माचुसाका मैम के घर में कोई फंक्शन होने वाला हो? हो सकता है ना? अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है माचुसाका मैम को वहाँ जाना चाहिए। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे क्या आप भूल गई? अभी 2 दिन पहले तो वो अपनी किसी फ्रेंड की शादी में गई थी। वहाँ जाने के लिए उन्होंने हर चीज पर बहुत ज्यादा खर्चा किया था, अपनी फ्रेंड के लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स भी लेकर गई थी, और अब फिर से दोबारा एक फंक्शन, मतलब है? क्या आपको नहीं लगता हमें माचुसाका मैम की मदद करनी चाहिए? हाँ, पर कैसे? हमें उन्हें कुछ पैसे दे देने चाहिए। पर हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, हमारी सैलरी भी तो बहुत कम है ना। माफी चाहता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग समझ गए ना, हमें माचुसाका मैम से असलियत का पता लगाना है। छोड़ो ना नैनी, इसके बजाय हम प्लेग्राउंड में जाकर कुछ खेलते हैं। ये खेलने का वक्त नहीं है, समझे? चलो जल्दी आओ। अब क्या करें? हमें नैनी को इस तरह नाराज नहीं करना चाहिए। कज़ामा, तुम्हें नैनी से डर लगता है क्या? ऐसा नहीं है शिनचैन। सुनिए माचुसाका मैम। क्या हुआ? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? अच्छा ठीक है तो मैं पूछती हूँ, माचुसाका मैम आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, ड्रेसेस, मेकअप या फिर खाने पीने की चीजें? बताइए। क्या कहा? अरे मैम तो कुछ भी नहीं बता रही है। माचुसाका मैम, क्या आप कहीं बाहर घूमने जाने वाली हैं? नहीं तो? कज़ामा, ये बहुत ही बेकार सवाल था। चलो बो, अब तुम्हारी बारी है, तुम कोई अच्छा सा सवाल पूछना। क्या आपको ये पिंक पत्थर पसंद आया? हाँ ये अच्छा है। अरे ये कैसा सवाल था, बसाओ अब तुम जाओ। सुनिए मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो मेरे डैड के दोस्त के घर ना पार्टी है, तो मेरे डैड समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या गिफ्ट दें। मैं क्या करूँ? शिनचैन, ठीक है, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, गर्मा गर्म खाना, बहुत ही टेस्टी, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म। अभी शिनचैन क्या कर रहा है?
जानने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। चलो हमें खेल खेलते हैं। ये लोग फिर यहाँ आ गए, ये मुझे परेशान करेंगे, मैं क्लासरूम में जाती हूँ। तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में जो मिस सैम रहती है, मैंने उन्हें उस दिन ब्यूटी पार्लर में देखा था। मिस सैम? देखिए मैं आपको उनके बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ। मिस एम एक नर्सरी स्कूल की टीचर हैं, उनको डिस्काउंट में कपड़े खरीदना बहुत ही पसंद है। क्या सच में? मैंने सुना है उन्हें ब्यूटी पार्लर जाना बहुत ज्यादा पसंद है और शायद वो वहाँ जाती हैं। हफ्ते में चार बार? चार बार नहीं तो क्या हफ्ते में पाँच बार? मुझे ठीक से नहीं पता। मैंने तो सुना है उनकी सैलरी बहुत कम है। क्या ये सच है? हाँ ये सच है। मैं वहाँ जाती हूँ। क्या ये सच है? वहाँ पर बहुत अच्छा मेकअप किया जाता है। अरे वाह, आखिर वो दिन आ ही गया। सही कहा। जल्दी से मैं सबको बता देती हूँ। मात्सुजाका मैडम, आपने हम लोगों से ये बात छुपाई क्यों? तो क्या ये बात सच है कि जल्दी ही आपकी एंगेजमेंट होने वाली है? हमें बताइए ना मात्सुजाका मैम। दरअसल हाँ हाँ बताइए मैम। दरअसल ऐसा बताइए ना मात्सुजाका मैम। मैं तुम्हें क्या बताऊँ? नाम क्या है? वो कहाँ रहते हैं? कहीं वो शिमला मिर्च तो नहीं खाते ना? चुप हो जाओ तुम। एक्शन का भी देखते हैं। मेरे घर में कोई फंक्शन नहीं है और अब तुम मुझसे सवाल करना बंद कर दो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। याद आया, मुझे तो गेट की सफाई करने जाना था। हाँ रुकिए सर, मैं भी आपकी मदद करने आपके साथ चलती हूँ। हाँ मुझे भी चलना चाहिए। चलो दोस्तों फुटबॉल खेलते हैं। हाँ ठीक है। मैं भी तुम्हारे